हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्पोर्ट्स सप्ताह। दोस्तों, दो दिन बाद स्टार्ट होने वाले एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के मैचेस। जैसे कि आपको पता है कि इस सीजन जो एएफसी चैंपियंस लीग में मुंबई सिटी एफसी इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिए, जो कि पिछले साल की लीग शील्ड विनर और आईएसएल ट्रॉफी विनर थी। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कई इंडियन प्लेयर्स मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, जो कि जिन पे हमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पर आते हैं अपुया। अब हम सबको मालूम है कि अपुया इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स में उनका नाम लिया जाता है, और इस सीज़न का अपुया का परफॉर्मेंस देखिए तो काफ़ी बढ़िया था। अहमद जाओ के साथ उनके मिडफील्ड में पार्टनरशिप काफ़ी बढ़िया थी। अब एएफसी चैंपियंस लीग में अपुया का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मिडफील्ड में सारा दारोमदार उन पर रहेगा। अहमद जाओ के साथ उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनको जो खेलना होगा। डिफेंडिंग में और अटैकिंग में दोनों में उनको जो अहमद जाओ को सपोर्ट करना होगा और मिडफील्ड को संभालना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अपुया जो है पहली बार खेल रहे इंटरनेशनल, पिछली बार वो इंडिया अंडर 23 के लिए खेल रहे थे और वहाँ पर उनका मिडफील्ड में परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था, और वो उन्होंने जो एशिया के टॉप टीम के खिलाफ खेला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा अपुया को जो है एशिया के टॉप क्लब्स के खिलाफ खेलने का, और ये अपुया के लिए खुद के लिए भी काफ़ी बड़ा मौका है। क्योंकि अगर अपुया इन मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, क्योंकि ऐसे मैचेस में जो बहुत सारे फॉरेन टीम के स्काउट देखते रहते, और यहाँ पे अगर अपुया का परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो ज़रूर वो जो है उनको जो है ऑफर आ सकता है। लेकिन ये काफ़ी दूर की बात है, लेकिन अपुया जैसे प्लेयर को कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से फॉरेन की ऑफर। तो देखते हैं आगे की बात है। सेकेंड नंबर पर आता है विक्रम प्रताप सिंह, एक और टैलेंटेड प्लेयर। और विक्रम प्रताप सिंह एक स्ट्राइकर पोजीशन के प्लेयर है, और इनका जो इस सीज़न का परफॉर्मेंस है आईएसएल में काफ़ी बढ़िया था। 3 गोल मारे इन्होंने इस सीज़न। अब विक्रम प्रताप सिंह का जो रोल है मुंबई सिटी एफसी के लिए एएफसी चैंपियंस लीग में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि थोड़ा अगर हम पिछले साल जाए जहाँ पे इंडिया अंडर 23 के लिए विक्रम प्रताप सिंह खेल रहे थे, तो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। टॉप कंट्रीज़ के खिलाफ, जो एशिया के टॉप कंट्रीज़ है उनके खिलाफ उन्होंने खेला, और वहाँ पर उन्होंने अपने स्पीड से कमाल की जो है परफॉर्मेंस दिया था। वहाँ पर उन्होंने ओमान के खिलाफ एक बढ़िया गोल भी मारा था। उनके पास स्पीड है, बॉल कंट्रोल उनका काफ़ी अच्छा है, और एनर्जेटिक प्लेयर है। 90 मिनट तक वो उसी एनर्जी से खेलते रहेंगे, तो वहाँ पर जो है उनका जो है यही परफॉर्मेंस हमें चाहिए एएफसी चैंपियंस लीग में। क्योंकि वहाँ पर हम जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे, तो वहाँ पर उनकी स्पीड से जो है हम जो है जो सामने वाले डिफेंडर से उनको कहीं ना कहीं बीट करेंगे, और उनके पास एक्सपीरियंस से टॉप टीम्स के खिलाफ खेलने का एशिया के, तो कहीं ना कहीं यही एक्सपीरियंस जो है वो टॉप क्लब्स के खिलाफ अगर वो दिखाएंगे तो ज़रूर जो है वो हम जो है अटैकिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो विक्रम प्रताप सिंह पर काफ़ी ज़्यादा होप है मेरे इस सीज़न। नंबर 3 पर आते हैं मेहताब सिंह। मेहताब सिंह सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर है, और इस सीज़न का इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा था। अब मुंबई सिटी एफसी की इस साल की वीकनेस यही रही थी कि उनकी डिफेंस लाइन। अब डिफेंस लाइन की वजह से मुंबई सिटी एफसी ने बहुत सारे मैचेस जो है इस सीज़न हारे है, और इसी वजह से जो टॉप स्पॉट भी था वो भी चला गया। अब एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि जो मुंबई सिटी एफसी की सेंटर बैक पेयरिंग थी वो थे राहुल बेके और मुर्तजा फॉल, लेकिन बाद में जो राहुल बेके बहुत सारे मिस्टेक करने लगे, और इसी वजह से जो मेहताब सिंह को लाया गया उनकी जगह, और मेहताब सिंह का परफॉर्मेंस बाद में काफ़ी बढ़िया रहा, और उनकी वजह से जो डिफेंस में जो स्टेबिलिटी आई। अब मेहताब सिंह का एफसी चैंपियंस लीग में जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अटैक बहुत सारे पड़ने वाले सामने वाले टीम से, तो वहाँ पर जो है डिफेंस लाइन में उनको जो स्टेबल रहना होगा, स्ट्रांग रहना होगा, वॉल की तरह खड़े रहना होगा डिफेंस लाइन में, और मुर्तजा फॉल को जो सपोर्ट करना होगा। क्योंकि अगर हमें जो है अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा सामने एएफसी चैंपियंस लीग में, तो वहाँ पे हमें कम से कम गोल खाने होंगे और डिफेंसिव वाइज हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो मेहताब सिंह का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मेहताब सिंह के लिए खुद के लिए भी एक काफ़ी बढ़िया मौका है। अगर वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जो है उनको जो है नेशनल टीम का कॉलअप आ सकता है, और इंडियन सर्किट में उनका नाम और जो रिस्पेक्ट से लिया जा सकता है, तो उनके लिए भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी एएफसी चैंपियंस लीग। नंबर 4 पर आते हैं चांगते, एक और टैलेंटेड प्लेयर। अब चांगते का सीन ऐसा है कि वो मिड ऑफ द सीजन मुंबई सिटी में आए, जहाँ पे जो चेन्नई एफसी के लिए खेल रहे थे, लेकिन विंटर ट्रांसफर विंडो में मुंबई सिटी एफसी के लिए आए खेलने के लिए, और मुंबई सिटी में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा था। अब चांगते के लिए एएफसी चैंपियंस लीग काफ़ी बड़ा मौका है खुद को प्रूव करने का और इंडियन सर्किट में। ऐसा इसलिए कि चांगते का अगर परफॉर्मेंस देखें आईएसएल में तो काफ़ी बढ़िया रहा है, लेकिन फिर भी उनको नेशनल टीम का कॉलअप नहीं मिला है, और उनको जो अभी तक जो नेशनल टीम का कॉलअप नहीं मिला है, तो बहुत सारे फैंस के यही डिमांड रहते हैं कि उनको नेशनल टीम का कॉलअप मिले और जो उन्हें जो प्लेइंग 11 में जगह मिले, और ये मुझे भी लगता है क्योंकि वो टैलेंटेड प्लेयर है।
तो अगर अगर हम पिछले सीजन जाए तो यहाँ पे एफसी गोवा के लिए ग्लैन मेल्टेंस खेल रहे थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन उनको भी नेशनल टीम का कॉलअप नहीं मिला। लेकिन जैसे उनका जो परफॉर्मेंस था एफसी चैंपियंस लीग में वो काफ़ी बढ़िया था और उनको जो है नेशनल टीम का कॉलअप मिला। सेम थिंग विथ सेरिटन, जो कि उनको ज़्यादा रिकोगनाइज जब मिला जब वो एफसी चैंपियंस लीग में खेले, और अब वो है इंडिया के नंबर वन राइट बैक है। तो ऐसे ही चांगते के लिए भी अगर वो चांगते एफसी चैंपियंस लीग में अपना परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देते और टॉप क्लास परफॉर्मेंस देते तो ज़रूर जो उनको नेशनल टीम का कॉलअप मिलेगा और वो रेगुलर बेसिस पे इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलते रहेंगे। तो चांगते के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एफसी चैंपियंस लीग। हमारा आखिरी प्लेयर और नंबर 5 पर है बिपिन सिंह। अब बिपिन सिंह मुंबई सिटी एफसी के लिए एक स्टैंडर्ड प्लेयर रहे आईएसएल में, और बिपिन सिंह के लिए भी एफसी चैंपियंस लीग काफ़ी बड़ा स्टेज है, इंटरनेशनल स्टेज, जहां पे वो अपने आप को प्रूव करे कि वो इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिपिन सिंह का आईएसएल में पिछले साल का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था, जहां पे वो टॉप स्कोरर रहे थे इंडियन, और इस सीज़न भी उन्होंने 6 गोल मारे। लेकिन जब बिपिन सिंह को इंटरनेशनल इंडिया के लिए नेशनल कॉलअप मिला था, वहाँ पे वो अपना खुद का परफॉर्मेंस जैसा आईएसएल में था वो वैसा डिलीवर नहीं कर पाए, और वहाँ पे जो अपनी फिजिकलिटी लैक करे और जो जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट किए थे वैसा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा स्टेज है इंटरनेशनल स्टेज, जहाँ पे अपना वो खुद का वर्थ प्रूव करे कि नहीं वो इंटरनेशनल भी खेल सकते और फुल खुद का जो है नेशनल टीम की जो जगह है वो सेट कर सके। तो बिपिन सिंह का भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा। दोस्तों ये थे वो की इंडियन प्लेयर्स मुंबई सिटी एफसी के लिए जिनका परफॉर्मेंस देखने लायक होगा, और एक्साइटिंग भी होगा कि एशिया के टॉप क्लब्स के लिए इन प्लेयर्स का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और इनके अलावा भी कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि गोलकीपर मोहम्मद नवाज, विनीत राय, और जो है विघ्नेश लेफ्ट बैक मुंबई सिटी एफसी के, तो ये 3 और प्लेयर जिनका परफॉर्मेंस देखने लायक होगा। तो वीडियो के लिए इतना ही। मैच देखेगा तो मुंबई सिटी एफसी का 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, पहला मैच अल शबाब के खिलाफ है, और लाइव स्ट्रीमिंग आप स्टार स्पोर्ट्स 3 और जियो टीवी पे देख सकते हैं। 10:45 PM से जो है मैच स्टार्ट होगा, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए अपने टीम को। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।